કીમના કોડસદ ગામ ખાતે સગર્ભા ભરવાડ યુવતી નીરુબેન ભરવાડ દ્વારા લોકડાઉનની સ્થિતિમાં ભૂખ્યાઓને ભોજન મળી રહે તે માટે રોજ હજારો શ્રમિકો તે માટે બે દિવસનું જમવાનું બનાવી વિતરણ કરવાની સેવાકીય પ્રવૃત્તિને જોઈને તેમની સાથે પૂજા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગ્રુપ પણ મદદમાં આવ્યું છે। પૂજા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગ્રુપ દ્વારા શ્રમિકોને જમાડવાના આ સેવા યજ્ઞમાં સહયોગ આપવાની સાથે સાથે હોસ્પિટલ અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને પાણીની બોટલો પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે। पूजा इलेक्ट्रिकल ग्रुप की तरफ से कुर्सद एरिया में भद्रासुल के पीछे लगभग 4 से 5 हज़ार आदमी का यहाँ पे रोज का खाने का प्रोग्राम किया गया है और जो ज़रूरतमंद है उनको कंटिन्यू खाना हम लोग डेली खिला रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी वयम तिवारी साहब, मनोज भाई, पंकज शर्मा साहब, अजय भाई, पार्थ भाई और भार्गव भाई, सब लोग हैं। एक अच्छी टीम बनी है और हम कोशिश कर रहे हैं पूरे हमारे एरिया में भूखे पेट ना सोए, जिसमें हमारा साथ दे रही है यहाँ पे नीरू बेन भड़वार, जो चेक करती है हर घर में जाके किसको क्या ज़रूरत है, खाना है या नहीं है, पूरा कार्ड बनाया हुआ है उन्होंने और मेनू के हिसाब से हम लोग खाना दे रहे हैं और दोनों टाइम दोपहर और शाम दोनों टाइम हम लोग खाना खिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है इनकेज आप तो हम लोग जब तक लॉकडाउन चलेगा वहाँ तक खाना खिलाएंगे सबको। મારું નામ નીરુ ભરવાડ છે અને મેં કીમના ખુરસદ ગામ ખુરસદ ગામના સમૂહ વરસાદ સોસાયટી પછી કીમના આસિયાના નગર પછી નવાપુરા મુન્ના એજન્સી એમાં લગભગ 5 હજાર લોકોને રોજનું પૂજા ઇલેક્ટ્રિક સાથે મળીને બેવ ટાઈમનું જમવા પહોંચાડીએ છીએ। બધા પરપ્રાંતિઓ છે અને મેં પર્સનલી ઘરે ઘરે જઈને સર્વે કર્યું છે એ લોકોનું અને એમના કાર્ડ બનાવ્યા છે, ખરેખર જેને જરૂર છે એના એમના કાર્ડ બનાવીને પછી એમને પર ફેમિલી માંથી એક એક મેમ્બર આવે છે અને જમવાનું લઈ જાય છે અને ડિસ્ટન્સનું પણ પૂરું ધ્યાન રાખીએ છીએ અમે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું। હા, થેન્ક યુ સર। ઓકે, અમે જે ઉપાધ્યાય હે હમારા જો ગ્રુપ હે પૂજા ઇલેક્ટ્રિકલ, ઉસમે હમારે જો સહયોગી હૈ પંકજ શર્મા સાહેબ, વાયન તિવારી સાહેબ હૈ, પાર્થ હૈ ઓર વાયન તિવારી સાહેબ હૈ, મનોજ દુબેજી હૈ ઓર આનંદ ઉપાધ્યાય, નીરુબેન ભરવાડ और सनी श्रीवास्तव, सब लोगों का जो ग्रुप है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हमको जब से फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन से हम लोग काम कर रहे हैं, पहले हम लोग किट का वितरण और सब चालू था, फिर सेकेंड लॉकडाउन के सेकेंड डे से यहाँ पे आजाद साहब ने बताया है कि भाई यहाँ पे इतने जो फैमिली हैं इनको नीड है, खाने की ज़रूरत है और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर विजिट किए, सही में यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है और अभी तक जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमने का जो आंकड़ा था 250 से चालू हुआ था, अभी 4,500 के नियर अबाउट 5,000 के नियर पहुँच रहा है, तो और हमारा उद्देश्य है कि सबको घर घर खाना मिले और दो टाइम में हम लोग अरेंज तो कर ही रहे हैं खाने का और सबसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे कि भाई जिस जो सक्षम है जो कर सकता है वो लोगों तक खाना पहुँचाए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये संकट की घड़ी में हमको अपने राष्ट्र के लिए, अपने गांव के लिए, हम लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमारा उद्देश्य बनता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक ये कितना दान करी, कितना आपने किस बोतल दिया पानी का, किसको किसको आपने दिया अभी तक? सर, अभी जो हमारे हीरोज़ जिसको बोलते हैं हेल्थ हीरोज़, जो हमारे लिए रात दिन काम करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं 24 आवर्स ड्यूटी में, मीडिया कर्मी हमारे हैं, हमारा पुलिस स्टाफ है, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए हमारा कुछ फ़र्ज बनता है कि हम अपने हीरोज़ के लिए थोड़ा सा अप्रिसिएशन के लिए कुछ करें। और जो हमारा कीम ग्राम की जो पुलिस है वहाँ पे हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग के लिए जो मशीन आती है वो, और वहाँ का जो स्टाफ है उसके लिए थर्मल बॉटल दिया गया है पानी पीने के लिए, और इसी तरह से फिर कोशंबा पुलिस स्टाफ में हम लोगों ने दिया है और 2 थर्मल गन और बॉटल पानी का बॉटल, और अपना प्राथमिक उपचार केंद्र जो स्कीम का है वहाँ पे भी हम लोगों ने थर्मल गन दिया है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो और हमारा जो काम है वो होता जाए। बस हम लोगों का उद्देश्य है कि अपना देश सही से बचा रहे, आप घर में रहो, सेफ रहो, हम आपके साथ में हैं। जय भारत।